वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक नया कंपैरिजन वीडियो, जहाँ आज हम पूरे ईस्टर्न इंडिया को पूरे वेस्ट इंडिया के साथ कंपेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज आपको पता चल ही जाएगा कि ईस्टर्न इंडिया और वेस्ट इंडिया में कौन ज्यादा डेवलप है। तो बने रहिए आने वाले कुछ मिनट्स तक मेरे साथ। और यदि आपने साउथ इंडिया वर्सेज नॉर्थ इंडिया वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लेना, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे फुल ऑफ द नॉलेजफुल वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन करने से पहले जान लेते हैं कि आखिर पश्चिमी व पूर्वी भारत में भारत के कौन कौन से राज्य शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी भारत की। तो बता दें, पूर्वी भारत यानी ईस्टर्न इंडिया में भारत के पूर्वी क्षेत्र के राज्य आते हैं, जिनमें शामिल है वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार एंड झारखंड। वहीं पश्चिमी भारत में भारत के पश्चिमी क्षेत्र के राज्य आते हैं, जिनमें शामिल है महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में जरूर बताना पूर्वी भारत ज्यादा डेवलप है या पश्चिमी भारत। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करना, क्योंकि आपके लाइक से ही तो हमें मोटिवेशन मिलता है ना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत एरिया यानी क्षेत्रफल के साथ करते हैं। तो बता दें, ईस्टर्न इंडिया का एरिया 418,323 किलोमीटर स्क्वायर है, जो पूरे इंडिया में लगभग 13% एरिया शेयर करता है। वहीं वेस्टर्न इंडिया का एरिया 508,032 किलोमीटर स्क्वायर है, जो पूरे इंडिया में लगभग 16% एरिया शेयर करता है। दोस्तों, बात करते हैं पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की। तो बता दें, आज 2020 में ईस्टर्न इंडिया की टोटल पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 31 करोड़ के आसपास है, जिसमें 13 करोड़ बिहार, 10 करोड़ वेस्ट बंगाल, 4 करोड़ झारखंड, 4.5 करोड़ पॉपुलेशन के साथ ओडिशा शामिल है। वहीं दूसरी ओर वेस्टर्न इंडिया की आबादी 18.15 करोड़ के आसपास है, जिसमें 12 करोड़ महाराष्ट्र, 6 करोड़ गुजरात एंड 15 लाख गोवा की आबादी इंक्लूडेड है। दोस्तों, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। अब जानते हैं कि ईस्ट इंडिया ज्यादा अमीर है या फिर वेस्ट इंडिया। तो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो ईस्ट इंडिया की टोटल जीडीपी 430 बिलियन यूएस डॉलर्स है, वहीं वेस्ट इंडिया की टोटल जीडीपी 681 बिलियन यूएस डॉलर्स है। इससे क्लियर है कि वेस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया से काफी ज्यादा रिचेस्ट पार्ट है। जीडीपी ग्रोथ रेट को देखें तो जहां ईस्ट इंडिया की टोटल जीडीपी 9% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ ग्रो कर रही है, वहीं वेस्ट इंडिया का टोटल जीडीपी ग्रोथ रेट 11% है। दोस्तों, इसके बाद एक और, जहां एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में एक वक्त का खाना ईस्ट इंडिया में आपको औसतन 120 भारतीय रुपए में मिलता है, वहीं दूसरी ओर वेस्ट इंडिया में आपको एक वक्त का खाना औसतन 130 भारतीय रुपए में मिल जाएगा। एक नॉर्मल वाटर बोतल की कीमत ईस्ट इंडिया में जहां 20 रुपए है, वहीं वेस्ट इंडिया में भी आपको एक वाटर बोतल के लिए औसतन 20 भारतीय रुपए ही देने पड़ेंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ खाने पीने की। तो जहां एक ओर ईस्ट इंडिया में आपको मचेर झोल, रसगुल्ला, द लिट्टी चोखा, बिहारी कबाब्स, सत्तू पराठा, फिश करी, कोशा मांगशो, चमचम, दालमा, पखाल भाटा, गपचप, धशका और मीठा पराठा खाने को मिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर आपको वेस्ट इंडिया में वड़ा पाव, झुनका भाकरी, बॉम्बे डक, पूरन पोली, बेबिनका, मेथी का थेपला, श्रीकंद, ढोकला, मोदक, गट्टे की सब्जी, घेवर और लाल मांस खाने को मिल जाएगा। दोस्तों, एक नजर रिलीजन यानी मजहब पर डालते हैं। तो जहां एक और ईस्ट इंडिया में 79.8% हिंदू, 14.2% इस्लाम, 2.3% सिखिज्म, 1.7% बुद्धिज्म, 0.7% जैनिज्म एंड अदर रिलीजन के लोग रहते हैं। वहीं वेस्ट इंडिया में 83% हिंदू, 10% मुस्लिम, 4% बुद्धिज्म, 2% क्रिश्चियन एंड अदर रिलीजन के लोग रहते हैं। लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे लोगों की बात करें तो जहां एक ओर ईस्टर्न इंडिया में 84% लोग पढ़े लिखे हैं, वहीं वेस्टर्न इंडिया में 87% लोग वेल एजुकेटेड हैं। दोस्तों, बात करते हैं लैंग्वेज यानी भाषाओं की। तो जहां एक ओर ईस्ट इंडिया में बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, संथालियन, उर्दू आदि जबानें बोली जाती हैं, वहीं दूसरी ओर वेस्ट इंडिया में मराठी, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, हिंदी, इंग्लिश आदि भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, एक नज़र अब टूरिज्म पर डालते हैं। तो जहां एक ओर ईस्ट इंडिया में आप दार्जिलिंग, सुंदरवंस, टाइगर हिल्स, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, चिल्का लेक, बेलूर मठ, विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज, महाबोधि टेम्पल, बराबर केव्स और बेटला नेशनल पार्क घूमने के लिए जा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर वेस्ट इंडिया में आप द गेटवे ऑफ इंडिया, अजंता एंड एलोरा केव्स, श्री छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, बेसिलिसा ऑफ बॉम जेसस, वाटर स्पोर्ट्स इन गोवा, अगुआडा फोर्ट, बागा बीच, साबरमती आश्रम,
गिर नेशनल पार्क और श्री सोमनाथ टेम्पल घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं टॉप सिटीज की, तो बता दें ईस्ट इंडिया में कोलकाता, भुवनेश्वर, पटना, रांची, कटक, हावड़ा, भागलपुर तथा मुजफ्फरपुर शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर वेस्ट इंडिया में अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, सूरत, औरंगाबाद, राजकोट, गांधीनगर तथा पणजी शामिल हैं। दोस्तों वीडियो के आखिर में हम नजर डालते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स पर। तो बात करें अगर वेस्ट इंडिया की, तो दुनिया का सबसे बड़ा सफेद रेगिस्तान, भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट, एशियाई शेरों का गढ़ वेस्ट इंडियन स्टेट गुजरात में स्थित है। दोस्तों यदि आप गुजरात से हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इंडिया की सबसे बड़ी रिचेस्ट सिटी एंड फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई भी वेस्ट इंडिया में स्थित है, जो दुनिया के टॉप 40 सिटीज में भी शामिल है। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई पोर्ट भी वेस्ट इंडिया में स्थित है। साथ ही भारत के सबसे व्यस्त तथा भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट श्री छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी वेस्ट इंडिया में स्थित है। दोस्तों बात करते हैं ईस्ट इंडिया की, तो बता दें ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर यहां का मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों प्राचीन काल में बिहार शिक्षा, संस्कृति तथा शक्ति का केंद्र हुआ करता था। कभी दुनिया भर के छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला नालंदा विश्वविद्यालय भी बिहार में स्थित है। इसके अलावा भारत का सबसे पुराना हिंदू मंदिर भी ईस्ट इंडिया में स्थित है। बता दें ईस्ट इंडिया में भारत का तीसरा सबसे बड़ा महानगर कोलकाता भी स्थित है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे नॉलेजफुल वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।